डॉक्टर आशुतोष सागर रेफरेंस आपको लाइपोसक्शन के लिए कहाँ से मिला था? मैंने गूगल पे सर्च किया था लाइपोसक्शन डॉक्टर, उसमें आशुतोष सर का नाम था। आप लाइपोसक्शन के लिए कितने टाइम से सर्च कर रहे हो? वो मैं वो तो 1 ईयर हो गया, पहले अहमदाबाद में सर्च किया था फिर यहाँ पे किया था। ओके, और अहमदाबाद में और सूरत में जैसे आपने दो डॉक्टर्स को कंसल्ट किया था तो डॉक्टर आशुतोष सर को क्यों चुना? वो इसलिए मुझे ये सर अच्छे लगे, इनका रिव्यूज अच्छा था और मुझे अच्छे लगे इसलिए। ओके, आप महुआ से आई हो तो फिर अपॉइंटमेंट वगैरह आराम से मिल चुकी थी? हाँ, वो मैंने फ़ोन पे ही ले ली थी अपॉइंटमेंट, फिर मैंने आई थी और डायरेक्ट सर का नंबर ही मिला ना तो सर से ही बात होती थी। ओके, डॉक्टर आशुतोष ने ये लाइपोसेक्शन ट्रीटमेंट समझने के लिए कितना टाइम दिया था? आधे घंटे दिया था। वो आधे घंटे में जो भी कुछ डाउट्स थे वो क्लियर हो चुके थे? वो क्लियर हो, ऐसा क्या है कि मैंने पहले भी और एक डॉक्टर कंसल्ट किया था तो मुझे थोड़ी बात तो पता थी इसलिए सर ने ऐसे बताया था। ओके, जैसे बात करते सर्जरी की डेट आराम से मिल चुकी थी, सर्जरी से पहले जो भी कुछ कह लेना था वो आपको बराबर से डॉक्टर ने समझाई थी? हाँ, बराबर से समझाई थी। सर्जरी के दिन का माहौल कैसा था? थोड़ी नर्वसनेस थी लेकिन अच्छा था, वो वहाँ पे 2-3 डॉक्टर थे उनके असिस्टेंट, वो बात कर रहे थे, मैंने उनसे पूछा कैसा है कैसा है, वो बता रहे थे और बात की और थोड़ी अच्छा लगा, फिर सर आए बात की। ओके, सर्जरी से लेकर अब तक के में आपका मतलब जैसे डॉक्टर्स और असिस्टेंट ने आपको मतलब कैसे हैंडल किया था? अच्छा था, चेतन सर आते थे 2-3 बार देखने, सुबह को शाम को अच्छा मुझे चेक करते थे और कैसा है पूछते थे और सब अच्छा, और वो दूसरे डॉक्टर्स भी आते रहते थे इसलिए सब अच्छा है। ओके, सर्जरी के बाद जो भी कुछ कह लेना था डॉक्टर आशुतोष ने आपको बराबर से समझाए? हाँ, वो सब कुछ अच्छे से समझा दिया था। ड्रेसिंग का एक्सपीरियंस कैसा रहा? वो भी अच्छा था। ओके, पहले से अभी तक में कुछ आपको कुछ प्रॉब्लम्स हुए ऐसा कुछ? प्रॉब्लम ऐसा कुछ नहीं, माइनर पेन होता था लेकिन ऐसा कोई मेजर प्रॉब्लम कभी नहीं हुई। ओके, डॉक्टर आशुतोष ये लाइपोसक्शन तो आपकी सर्जरी कर दी, तो आप पहले कैसे थे और अभी क्या है वो आप? पहला मैं बस ऐसा फैटी लग रहा था लेकिन अब अच्छा है, सब कंट्रोल में है। ओके, डॉक्टर आशुतोष ये लाइपोसक्शन के अलावा भी हेयर ट्रांसप्लांट है, ब्रेस्ट सर्जरी है, गायनेकोमेस्टिया है, नोज सर्जरी है, बहुत सारी कॉस्मेटिक सर्जरी भी करते हैं, तो आप अपने फ्रेंड सर्कल में किसी को भी अगर कॉस्मेटिक सर्जरी करना चाहते हैं तो किसी को रेकमेंड करना चाहोगे? हां, मैं जरूर रेकमेंड करना चाहूंगी। ओके, डॉक्टर आशुतोष साहब उसकी टीम का नेचर और यहाँ का एनवायरमेंट आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा है, सब बहुत फ्रेंडली है, अच्छे से बात करते हैं, ऐसा नहीं कि डॉक्टर आए और काम करके चले गए, अच्छा है सब। ओके, डॉक्टर आशुतोष साहब उसकी टीम को आप 5 स्टार में से कितना स्टार देना चाहोगे? 5। ओके, थैंक यू।